तो भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक अपन जन्मदिन के अवसर में माँ महामाया के चरण में मत्था टेक के करीस अपन जन्मदिन के शुरुआत। ये अवसर में धरमलाल कौशिक प्रदेश में खुशहाली के संग लोगों के बीच जीवन में सुख समृद्धि के कामना गलो करीस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक अपन जन्मदिन के अवसर में पूरा काफिला के संग रतनपुर माँ महामाया के दरबार में पहुंचे, जिहां पहली ले उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता मन कति ले जोरदार आतिशबाजी और फूल माला के संग गर्म जोशी ले उंघर स्वागत करी। प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति आए, यही कामना करने के लिए मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। साथ ही अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह कर सकूँ और इस छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के सेवक के रूप में उनके सुख दुख के सहभागी हम बन सकें, लोगों के जीवन में खुशियाँ आए और साथ ही उनके समस्याओं का निवारण करने में हम सहयोग दे सकें। आज इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर आदिशक्ति महामाया के दर्शन करने के लिए और इसके बाद में विभिन्न कार्यक्रम वृद्धाश्रम में जा कर के उनके बीच में सम्मान का कार्यक्रम, श्रम वीरों का हमारे सम्मान का कार्यक्रम और क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं, उसमें सभी में सहभागिता होगी। इस शुभ घड़ी में उपस्थित अपन सबो कार्यकर्ता मन ल संबोधित करत हुए कहिस के आप लोगन के जिन स्नेह और प्यार मोला मिले है उघर मैं तहे दिल ले आभारी रही हूँ। रतनपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।